सिवान में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अपराधी बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में अपराधियों ने एक वृद्ध की सोए हुए अवस्था में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना सिवान जिला के सिसवन थाना क्षेत्र स्थित भीखपुर पंचायत के किशुनबाड़ी गांव की है, जहां एक वृद्ध की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक किशुनबाड़ी गांव निवासी किशुन यादव का पुत्र बिंदा यादव बताया जा रहा है। मृतक की बहू सविता देवी ने बताया कि सोमवार की रात करीब 11 बजे गोली की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हम लोग डर से बाहर नहीं निकले। मंगलवार की सुबह 5 बजे जब मैं उठी और बाहर निकली तो देखा कि मेरे ससुर जी के चौकी के नीचे से खून बह रहा है। तब मैं चिल्लाई, मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुँचे। इसी बीच घटना की सूचना सिसवन थाना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सिसवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां एक सोए हुए अवस्था में गोली मारकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है। सिवान जिला के सिसवन थाना क्षेत्र स्थित भीखपुर पंचायत के किशुनबाड़ी गाँव का ये मामला है, जहाँ वृद्ध की सोए हुए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक किशुनबाड़ी गांव निवासी किशुन यादव के पुत्र बिंदा यादव है। बताया जाता है कि सोमवार की रात जब वो सोए थे तभी अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह परिजनों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना कैसे हुई? अभी तो हम लोग को मालूम हुआ, वो सोए हुए थे, हम लोग आए तो मालूम हुआ कि सोए हुए व्यक्ति थे, बहुत सघन व्यक्ति थे, सोए हुए हैं, कोई आया अपराधी और गोली मारकर चला गया। घर वाले सुबह में जाने की उनकी हत्या हो चुकी है, और न किसी से लड़ाई थी, नहीं झगड़ा थी। हम लोग यही कहेंगे कि जो अपराधी जो शिशुओं में पनक रहा है, बचना नहीं चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि भविष्य में ऐसा कोई कदम अपराधी लोग नहीं उठाए। पुलिस क्या कर रही है मामले में? पुलिस मामले में तो अभी आई है, जांच कर रही है, कह रही है कि हमें इसको जो घटना किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जिसमें घटना घटाया है उसको हम बख्शेंगे नहीं। पुलिस से हम लोग दबाव बना हुआ है, 16 हम लगे हुए हैं, हम भक्मा माले कंसिक्यूटिव 2000। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।